तो भाई है ना, अभी जा रहे नजमा बाजी के घर, वहाँ दावत है। तो ताया अबू ये तस्बीह हमारे घर भूल गए थे, तो ये उनकी अमानत है और एक है ये। तो ये चलती हूँ ताया अबू के ना देती हूँ, मैं फिर से वापस आई हूँ क्योंकि ये भूल गई थी, तो उनको देते हैं। मुझे देखिए इसको वेलकम के लिए रखा हुआ है, मुझे डर लग रहा है। हाँ जी वेलकम, कह रही वेलकम वेलकम, पीछे हो जाओ भाई बल्लू, पीछे करो। हाँ ये देखो, थैंक यू भाई। ओ मारती तो नहीं? तो भाई हम लोग आ गए, आपकी अमानत हो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, थैंक यू। ये देखे संभाल के रखी थी, इसे दाने पूरे हैं। नहीं दो तीन मैंने निकाल लिए, मैंने कहा काम आ जाएंगे। काम के मेरा भी काम होना हो गया। तो है ना, ये लोग पहले ही आ गए, तो मैं भी अभी आई हूँ। तो भाई यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए खाना भी लग चुका है। तो हमजा साहब भूख लगी है, क्या खाना है अभी? मामा, जी वो कैटो आई हुई है भाई नीचे, यहाँ पे कैटो आई हुई। तो बस आप शुरू करें, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ सोने? तो भाई आज फिर है ना हम लोग जा रहे हैं इनके ना वही बेफाम के लिए, कल गए थे तो आज फिर जाना पड़ रहा है। अल्लाह करेगा आज लास्ट डे होगा, इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा पूरा। मीर सलाम तो कर दो। ओए सदके। तो वो यहाँ पे पहुँच चुके और बाबर वहाँ पे गए फोटोकॉपी करवाने, मैं और मीर यहाँ पे वेट कर रहे। उसके बाद मैं अंदर ऑफिस में जाऊँगी, बाबर और फिर मीर बाहर रुकेंगे। मीर ये लो। ओए सोने। अच्छा तो है ना हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, और अभी हम लोग यहाँ पे आए नाश्ता करने। तो नाश्ता करके उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ से? नाश्ता करके फिर कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे मीर। और भी काफ़ी देर हो गई हम लोग यहाँ पे बैठे, कोई ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा था। तो बाबर खुद ही चले गए, कहते मैं पूछ के आता हूँ कि कोई ऑर्डर भी लेगा या नहीं। तो अभी बैठे हैं, अजीब अजीब चीज़ें, लस्सी चाय, बाबर कह रहे मैं ट्राई करूँगा, मैं रोक रही हूँ कि पता नहीं कैसी चीज़ है, क्या है, ये ना हो के कोई गड़बड़ हो जाए भाई पेट में। तो देखते हैं अभी लेते हैं और क्या। तो भाई यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है, आमलेट, और ये है पाए, बाबर का पराठा, मेरे नान। तो खा लो खा लो, बस सिट डाउन सिट। तो बस अभी नाश्ता हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आएगी लस्सी। अच्छा तो अभी है ना हम लोग जा रहे थे वापस, तो हम लोग थक गए, हमने सोचा यहाँ पे रुके, तो यहाँ पे ये पंप भी था पानी का, तो क्या बोलते। तो अभी है ना चलते बाइक पे बैठे तो वापस, और दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा ही बाइक पे बैठ रहे, थक जाते हैं हम लोग, बड़ा सफ़र है लंबा। अच्छा तो हम लोग जब जा रहे थे ना तब मैंने ये फूल देखे, मैंने कहा मैं ना इनको देखूँगी। तो अभी आगे चले गए थे, फिर बाबर को मैं वापस लेके आएंगे, मुझे ये फूल देखने थे, इतने प्यारे गुलाब के, देखे बहुत प्यारे। तोड़ लूँ बाबर एक आध? नहीं कहते नहीं, बंदा बैठे नहीं तोड़ने, तो वो चाचा वहाँ पे बैठे हैं जिनके हैं। क्या हुआ हमजा? बैग मैं इतना सा बता रही हूँ कि बैग नहीं इतना है, कितना बैग किधर है? हमें मिस किया था। सच्ची? झूठ झूठ बोल रहे हो। तो भाई जैसे घर वापस आए ना, तो अभी बाबर और मैं ना सो रहे, क्या थक गए, काफी थकान हो गई है, तो थोड़ी देर सोते फिर उठ के फिर है ना एक दो जगह जाना है, तो वहाँ फिर जाएंगे। देख नहीं है नहीं है नहीं है, सो जाओ सोने दो सोने दो, नहीं सोने दो सोने दो। तो भाई यहाँ पे ये देखिए आई हुई है हरदाल, कितनी बड़ी है। यहाँ से ना भाभी फलियाँ निकाल रही है और फिर इसमें से निकलेंगे दाने और वो पकाएंगे। तो अभी भाभी बैठी है ये निकाल रही है, तो मैं सो रही थी, मैंने कहा देखूँ ये क्या हो रहा है, तो बाहर आई हुई है देखने। तो भाई यहाँ पे ना मीर सब कब से तंग कर रहे थे, तो अभी से झूला बांध के दिए कि शायद झूले में सो जाए, तो मैं इसे अभी झुला रही हूँ। मीर छोने मजा आ रहा है? नहीं सोए रहो सोए रहो, हाँ सोए रहो। तो ये देखे यहाँ पे वो फलियाँ निकाल ली थी, अब है ना इसमें से ये क्या कहते हैं दाने निकल रहे हैं, तो ये अब है ना बनेंगे, इसे बोलते हैं हरदाल। तो है ना भाभी अब ये निकाल रही है। तो ये देखे शहबाज भाई को फुल गुस्से में, इसने अभी है ना जस्ट 5-10 मिनट पहले है ना इसने बेल्ट से अबू बकर को मारा है,
फिर एक तार उठाई हुई थी अनाया को मारने के लिए, और मैंने फिर आपा से बात कर रही थी, आपा ने फिर इसे समझाया, और अब बच्चों से लड़ रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। रोज पेंसिल घुमा करके आ जाती है रोज, आपके रोज। तो फिर भी मेरे बच्चों से छोटे, मेरा हमजा भी डेली यही काम है। अब रोज नोटबुक जो है ना इनकी गायब होती है, 100 रुपए की लेके देता हूँ। कोई बात नहीं, ये बचपन है। 100 रुपए डेली आपको पता है, 100 रुपए अच्छा अल्लाह देगा। इट्स बिग अमाउंट बेटा, मैं दे दूंगी आपके लिए, कुछ नहीं। अच्छा पेंसिल रोज गुम कर दे, अभी 500 उसके कितने आज क्या तारीख है, 15-24 तारीख को मैं दे के आया था पैसे, सैलरी जब आई थी ना इनके, क्या बोलते हैं फीस, ठीक है। अब उसका 500 आज बना तो उसने बोला 500 दो। अच्छा कोई बात नहीं, छोटे बच्चे, हाँ मैं दे दूंगी पेंसिल का भी, आज की नोटबुक का भी 100, ठीक है। मारने वाली क्या बात है, बच्चों प्यार से समझाते हैं, बस आंख में दहशत हो मारो मत, आंख में दहशत हो। बेल्ट से मारा है वो तो कितने दिनों के, 4 दिन हो गए, मैं 4 दिन उसको नहीं बाहर जाके ऐसा डांटो ना ऐसे दहशत से कि बच्चे डर जाए, लेकिन मारो मत, ये ढीठ हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे ना भाभी ने ना कपड़े धोए हैं, और साथ में थोड़ी सी मैंने भी हेल्प की, क्योंकि भाभी बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती, तो वॉशिंग मशीन अभी तक बनी नहीं, तो भाभी कहती नहीं हाथ भी धो लेते हैं, तो बस अभी है ना धोए हैं भाभी ने। और अभी खाला है मैं जा रही हूँ उनके घर थोड़ी सी देर में, उनका मिल के हूँ, कितने दिन हो गए नहीं गई। ये देखे भाई चाचू है ना, खैर देर आए दुरुस्त आए, खैर कोई बात नहीं, हम क्या कह सकते हैं, रहने दे चाचू, रहने दे ऐसे कई बहाने कर करके हमने छोड़ दिया, आप रहने दे। ऐसे ना टूट नहीं सकते, जुड़वा है। मैं तोड़ के दिखाऊं टूट सकते नहीं, मैं तोड़ के दिखाऊं, ऐसे होने जाए। चाचू की बातें होती हैं, मैं सबको ये बता दूं, चाचू की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इनमें इखलाकियात, एहसासात और क्या रिश्तेदारियात की बहुत कमी है। ये बिल्कुल रिश्तेदारी कहना निभाना नहीं जानते, ये सिर्फ इनकी बड़ी बातें होती है, सुलहाए मेरे बच्चे कहते कहते थकते नहीं, और जब से हम लोग आए हैं आपने बस देखा अच्छा। और जब से मैं आई हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा, चाचू कितना ज्यादा मुझे मिलने आए हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, पूछ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों का वैसे बोलो जी मुझे पाला पोसा था, ठीक है। इसीलिए तो आप फिर ये सिला दे रहे ना कि मेरी माँ ने आपको पाला है, और आप मुझे ये सिला दे रहे कि आप आए भी नहीं, यानी कि आप मेरी बेटी भी हैं और बहन भी हैं। बस बस लो, बस बच्चे भी अब चाचा बोलने लग गए मुझे देख के, चाचा बस चाचू से यही उम्मीद हो सकती थी भाई, कॉल्स कर करके चाचू आ जाए हमारा और है ही कौन यहाँ पे, लेकिन चाचू ने कसम खाई। खैर आज जब है ना नाराज़ हुई हूँ और बात करना छोड़ी और मैं नहीं गई, तो ऐसे ये 2-3 माल्टियां लेके आ गए, कहते खा मेरी शॉपर भरा हुआ भाई। हाँ वही बोल, लगता है मुफ्त की कहीं से मिली होगी, आपने कहा बच्ची को खुश कर दूं, तो नहीं भाई मुझे नहीं खुश होना इन चीजों से, बहुत किया आपने, ऐसे करते अच्छा, है कोई अच्छा भाई आप माफ कर नहीं, रहने दे बस, मेरी माँ माफ कर, ये देखिए किसी काम में लगा, अरे भाई अरे, माफ कर, नहीं नहीं बस रहने दे माफ कर दे, ये चाचू का एक ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, ऐसे ही कर भाभी के काम देखे, ठीक है ठीक है। वही यहाँ पे आ गई हमारी सब्जी, भाभी यहाँ पे मटर छील रही है, और है ना अभी हमने लिए थे दही बड़े और समोसे, अभी शहबाज भाई लेने जा रहे हैं, जो आए थे वो बच्चों को दे दिए, तो अभी है ना हम लोग ये भी भाभी और मैं बैठ के खाएंगे, आराम से भूख लगी है। और ये देखिए दही बड़े रेडी हो चुके, उसके ऊपर समोसा तोड़ के डाल दिया, तो अभी खाते हैं मजे से। तो भाई यहाँ पे ना बड़ी भाभी का सालन बनना शुरू हो गया, जो फलियाँ निकाली थी दाने फलियों में से, ये वो बना रही है वो और आलू, तो ये बन जाएगा, तो मैं दिखाती हूँ कि ना इनके कैसे बनता है वो सालन। और यहाँ पे भाई हमारा जो क्या कहते हैं आलू नहीं मटर गोभी, हाँ भाभी बना रही है छोटी भाभी मटर और गोभी का सालन, तो है ना बहुत मज़े का बनने वाला है, तो ये भी अभी बस रेडी होने वाला है, वो दूसरे सालन को तो दे रहा, पर ये हमारे वाला जल्दी बन जाएगा। और ये देखे ये इन दोनों की जोड़ी है, यहाँ पे मोबाइल पे लगे और वो दोनों है ना वहाँ पे गेम को लगे हुए दोनों। चले जी आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। तो बस थोड़ी है ना मीर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ी मेरी भी ठीक नहीं थी, इसलिए ना व्लॉग नहीं डाल पाई, और जो कल का था आज का था वो सारा मिक्स करके ना आज डालूंगी, और उसके अलावा
भाई हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो बस तैयारी कर लिया सितारा के पास जाने की, क्योंकि उसने कहा ज़रूर आना, वरना हमारा इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग वहाँ से जो बाबर गिफ्ट लाया वो भी नहीं लेके आए, और कोई इस तरह के ख़ास ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं लाए थे, तो बाबर के तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे भी बच्चों के फिर भी एक दो मैंने डाल लिए थे। मैंने कहा यहाँ पे क्योंकि रात की हल्की हल्की है ना ठंड होती है, तो उस लिए, वरना ना वहाँ से कुछ मतलब ख़ास तैयारी तो हम लोग करके नहीं आए थे, क्योंकि 4-5 दिन यहाँ पे जो हमारा काम था ये पासपोर्ट का और बेफाम वगैरह इसका था, हमने कहा वो करके चले जाएंगे। तो सितारा ने कहा नहीं ज़रूर आना है, तो खैर अभी देखते हैं, काफ़ी मतलब हद तक तैयारी तो हो चुकी है। आज कपड़े वगैरह भी ना भाभी ने और मैंने मिलके धो लिए हैं, मेरे को जो लेके जाने, तो उसके अलावा क्या कहते हैं बाकी है ना बच्चों के अभी यहाँ से लेने पड़ेंगे, तो बस अभी देखें फिर बच्चों के यहाँ से या फिर वहीं जाके लेंगे, तो बस इंशाल्लाह ना फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो बस दुआ करिएगा सफ़र अच्छे से हो जाए, तो फिर है ना अभी हमज़ा के अब स्कूल भी है, तो फिर जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आके फिर यहाँ से फिर वहाँ हमने कराची जाना है, और उसके बाद जब हमज़ा के स्कूल की छुट्टियाँ होंगी तो तब इंशाल्लाह आएंगे फिर, है ना, क्योंकि इस बार कहीं ज़्यादा गए भी नहीं, रिश्तेदारों में काफ़ी जगह जाना था, कहीं अफसोस करने, कहीं वैसी मेरी खाला है सबसे छोटी, उन्होंने घर बनवाया है तो उनको भी मुबारक देने जाना था, तो फ़िलहाल नहीं गए क्योंकि काफ़ी दिन से ये बच्चों के कामों में लगे हुए थे, बेफाम और बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।